हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो चलिए देखते हैं। हम देखिए, इस क्वेश्चन में हम एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके होल पावर में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट में साइन स्क्वायर थीटा इसके होल पावर में 1 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए, रूट में ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इसके होल पावर में, साइन स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस रूट में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो पावर में 1/2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इसके होल पावर में कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस, इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इसके होल पावर में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए, इस प्रश्न में अगर हम थीटा की जगह पर 45 पुट कर दें, 45 डिग्री, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 इसके होल पावर में कोसेक स्क्वायर 45 अपॉन में 2 प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 इसके होल पावर में सेक स्क्वायर 45 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। हम देखिए, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इसके होल पावर में, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2 इसके पावर में, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। हम देखिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 45। अब x को हमने साइन थीटा के इक्वल माना था, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पुट कर देंगे 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/√2, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 to the power साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 to the power कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं। हम देखिए, हमारे पास है 2 to the power साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 to the power में कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास हो जाएगा 2 to the power में साइन स्क्वायर एक्स प्लस, हम देखिए एक्सपोनेंट रूल से इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 1 इंटू में 2 to the power में माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास हो जाएगा 2 to the power में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू में, इसी डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 to the power में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। हम देखिए, इस एक्सप्रेशन में हम 2 to the power में साइन स्क्वायर एक्स को टी के इक्वल मान लेते हैं इज इक्वल टू टी, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टी प्लस 2/t इज इक्वल टू 3। इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3t। 3t को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टी माइनस 2 इंटू में टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब टी को हमने 2 to the power साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल माना था, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 to the power में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 2 to the power में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हम देखिए, इन दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ये हमारे पास है 2 to the power में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power में 0, इन दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा टू द पावर में 2022 प्लस कॉट थीटा टू द पावर में 2022।
इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, हम देखिए हमारे पास गिवन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू टू। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा वन अपॉन में टेन थीटा इज इक्वल टू टू। इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू टेन थीटा। टू टेन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वन। टेन थीटा इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन, तो जाएगा टेन फोर्टी फाइव। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेन थीटा टू द पावर में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू प्लस कॉट थीटा टू द पावर में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू। ये हमारे पास है टेन थीटा टू द पावर में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू प्लस इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा वन अपॉन में टेन थीटा टू द पावर में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू। हम देखिए इसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा इसके पावर में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू प्लस वन अपॉन में टेन थीटा इसके पावर में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई फोर्टी फाइव, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा टेन फोर्टी फाइव टू द पावर में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू प्लस वन अपॉन में टेन फोर्टी फाइव टू द पावर में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू। टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास गिवन है इफ फाइव एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा एंड फाइव अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं, हम देखिए हमारे पास गिवन है फाइव इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइव इंटू में फाइव अपॉन में फाइव इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। हम देखिए ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव को अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा वन अपॉन में फाइव इंटू में ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन में फाइव इंटू में ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं फाइव एक्स का होल स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन में एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं फाइव अपॉन में एक्स इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन में फाइव इंटू में, हम देखिए फाइव एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे सेक थीटा और फाइव अपॉन में एक्स की जगह पे पुट कर देंगे टेन थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम सब जानते हैं वन, तो हो जाएगा वन अपॉन में फाइव इंटू में वन इज इक्वल टू वन बाई फाइव। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू वन देन प्रूव दैट साइन टू द पावर सिक्स थीटा माइनस फोर इंटू में साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस एट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर। ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए देखते हैं। हम देखिए हमारे पास गिवन है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू वन। हम देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम देखिए इस इक्वेशन का हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा साइन टू द पावर फोर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू द पावर फोर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ये हमारे पास हो जाएगा टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू द पावर फोर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा फोर प्लस साइन टू द पावर फोर थीटा माइनस फोर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन टू द पावर फोर थीटा। हम देखिए इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे
वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 4 इंटू में साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा। हम देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा से साइन टू द पावर 4 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस ये है 4 इंटू में साइन टू द पावर 4 थीटा, 4 इंटू में साइन टू द पावर 4 थीटा। हम देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 इंटू में साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 इंटू में साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। हम देखिए यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।